संभावनाओं का दूसरा नाम। आजादी के 7 दशक बाद जमीन से लेकर आसमान तक देश ने तरक्की के नए पैमाने गढ़े हैं। भारत ने प्रगति की राह पर चलते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज भारत को वैश्विक पटल पर एक ऊर्जावान और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखने वाले देश के रूप में देखा जाता है। हर क्षेत्र में आज भारत नित नए कीर्तिमान रच गढ़ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें तो आज की हैं। जरा पीछे जब अतीत में झांकते हैं तो सब कुछ इतना सुहाना नहीं था। तो भारत ने लंबा अंधेरा देखा। आज जिस तरक्की पर हम इतरा रहे हैं, दरअसल उसको हासिल करने में एक लंबा काल बीता है। ब्रिटानिया हुकूमत से लंबे संघर्ष के बाद भारत ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। देश में आजादी की उम्मीदों की नई सुबह हुई। आजादी हासिल करने में ना जाने कितने ही नायकों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसे ही नायकों की फेहरिस्त में एक नायक थे, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले जितने राजनीतिक बदलाव के सूत्रधार, उतने ही बड़े समाज सुधारक थे। सामाजिक सुधारों को लेकर इनकी प्रतिबद्धता आज भी मिसाल है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के कोटालुक गांव में 9 मई 1866 में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्णा राव गोखले और इनकी माता का नाम हवालूबाई गोखले था। गोखले का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। ये पढ़ाई लिखाई में काफी तेज थे। जननेता कहे जाने वाले गोखले एक नरमपंथी सुधारवादी थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही देश में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ भी संघर्ष किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने आजीवन सबकी एकता के लिए काम किया। 19वीं सदी में गोपाल कृष्ण गोखले की तीन बहुत बहुत बड़े योगदान हैं जो मैं समझता हूँ। पहला तो ये कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, हमारा राष्ट्र पूरी तरह से बना नहीं था लेकिन उसकी शुरुआत हो रही थी मीडिया के द्वारा और भी तमाम तरीके से, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है ब्रिटिश साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना करने में। उन्होंने और बहुत सारे और लोगों ने, दादा भाई नौरोजी ने, तिलक ने, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन इस देश के लिए बेहतर नहीं है बल्कि हमारे यहाँ का आर्थिक शोषण हो रहा है और हमारे देश का जो आधुनिक आर्थिक विकास है उसमें एक तरह से वो रुकावट डाल रहा है, उसमें वो मदद नहीं कर रहा है। और तीसरा बहुत बड़ा उनका योगदान था सिविल लिबर्टीज़ की फील्ड में। वो खुद भी अखबार निकालते थे, बहुत सारे लोग अखबार निकालते थे और उनका मानना था कि सिविल लिबर्टीज़ जो है इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को अपने अभिव्यक्ति की, अपने बोलने की, लिखने की स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1881 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1882 में कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में दाखिला लिया और प्रीवियस परीक्षा पास की। उस वक्त राजाराम कॉलेज में दूसरे वर्ष का पाठ्यक्रम नहीं था, इसलिए इन्हें पूना के दक्कन कॉलेज में जाना पड़ा। आखिरी साल की पढ़ाई इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज से पास की। स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले का नाम उस भारतीय पीढ़ी में शुमार हो गया जिसने पहली बार विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। गोखले की पढ़ाई में रुचि को देखते हुए इनको हर महीने छात्रवृत्ति मिलती थी। इसके बाद इनके परिवार के आर्थिक हालात इनकी पढ़ाई के आड़े नहीं आए। बीए पास करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन इनका मन इसमें नहीं लगा। इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई करने का फैसला किया और पूना के दक्कन कॉलेज में नामांकन करा लिया। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी गोपाल कृष्ण गोखले पर थीं।
ऐसे में इन्होंने पूना के स्कूल में सहायक अध्यापक की नौकरी शुरू की, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को भी पढ़ाने लगे। इसी दौरान इन्होंने कानून की परीक्षा भी पास कर ली। लॉ पास करने के बाद गोखले बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर के संपर्क में आए। दोनों के विचारों का गोखले पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1885 में कोल्हापुर में गोखले ने अंग्रेजी शासन के अधीन भारत पर जोरदार भाषण दिया, जिसकी सभी ने तारीफ की। गोखले 1886 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के आजीवन सदस्य बने। इनकी देशभक्ति से लबरेज लेखनी के सभी कायल थे। हालांकि पत्रकारिता को उन्होंने जीविका के रूप में नहीं अपनाया, लेकिन मराठा पत्र के लिए इन्होंने कुछ लेख लिखे। इन्होंने केसरी के लिए समाचार संग्रह किया। इसके अलावा आगरकर ने सुधारक नाम की पत्रिका निकाली, जिसके अंग्रेजी भाग का कार्यभार 1888 में गोखले को सौंपा गया। अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमंड बुर्के के राजनीतिक विचारों से काफी प्रभावित हुए थे। हालांकि गोखले बेहिचक अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने आजीवन अंग्रेजी भाषा और राजनीतिक विचारों का सम्मान किया। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक विचारों पर उदारवाद का गहरा प्रभाव था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवाद का प्रसार किया। इनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी शासन भारतीय जनता को स्वशासन की तरफ ले जाएगा, और जब भारतीय खुद अपना शासन चलाने लायक हो जाएंगे तो उनको अपना शासन चलाने का मौका मिलेगा। उदारवादी भावना और सोच के कारण गोपाल कृष्ण गोखले संवैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। इनका साफ तौर पर मानना था कि संवैधानिक विकास के रास्ते को अपनाकर भारत अपनी राजनीतिक प्रगति कर सकता है। गोखले भारत में पाश्चात्य शिक्षा और यूरोपीय राजनीतिक संस्थाओं के प्रयोग के पक्ष में थे। इन्होंने बहिष्कार की राजनीति का विरोध किया था। इनका मानना था कि शासन में असहयोग कर देश का विकास नहीं किया जा सकता। बहिष्कार की राजनीति को लेकर इनका मानना था कि इससे स्वदेशी को थोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन इसे स्थायी नीति के तौर पर अपनाकर नुकसान ही होगा। गोखले कांग्रेस में नरमपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे और बातचीत की प्रक्रिया में भरोसा करते थे। उस समय के प्रमुख नेताओं का प्रयास था कि ब्रिटिश हुकूमत में भारतीयों को इज्जत मिलनी चाहिए। एक खास तरह का टकराव था मॉडरेट्स के विचारों में और एक्सट्रीमिस्ट नेताओं के विचारों में, लेकिन जब हम आज उनको देखते हैं तो आज ये बहुत ही स्पष्ट होता है कि उनके विचारों में टकराव नहीं था, वो दो स्टेज थे, वो दो एक सीढ़ी थे। मॉडरेट्स के विचार हमारी आधुनिक राजनीति की शुरुआत की पहली सीढ़ी थे, और जो एक्सट्रीमिस्ट तिलक के विचार आए और बिपिन चंद्र पॉल के विचार आए, लाला लाजपत राय के, वो दूसरी सीढ़ी थे। तो दोनों में एक लॉजिकल कनेक्शन था, एक तार्किक समन्वयता थी, एक कॉन्टिन्यूटी थी, लेकिन उस समय लगता था कि दोनों के जैसे अलग अलग विचार हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे। इन्होंने 1889 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार प्रतिनिधि के तौर पर शिरकत की थी। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सचिव बनाया गया। गोखले कई वर्षों तक बंबई कांग्रेस के भी सचिव रहे थे और 1892 के एक्ट की खामियों को सामने लाए थे। 1897 में दक्षिण शिक्षा सभा के प्रतिनिधि के तौर पर बेलवी आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए गोखले को इंग्लैंड भेजा गया। गोखले ने भारत सरकार का बजट इंपीरियल काउंसिल द्वारा पास करने के बाद लागू करने का सुझाव दिया था। 1899 में गोखले को बंबई विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। परिषद में इन्होंने मजबूती से अपनी बात रखी थी और विधान परिषद में सरकार के भूमि संबंधी कानून की निंदा की थी। 1902 में गोखले केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य बने। ये सरकार की आर्थिक नीति के बड़े आलोचक थे और सधे शब्दों में सरकार की आलोचना किया करते थे। इन्होंने
नमक पर लगने वाले कर का विरोध करते हुए कहा था कि एक नमक की टोकरी 5 आने में बिकती है, जो 20 गुना ज्यादा है। केंद्रीय विधान परिषद में इन्होंने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने, सरकारी सेवाओं में भारतीयों को सम्मानजनक स्थान दिलाने, सरकारी व्यय में कटौती और भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण को दूर करने का सुझाव दिया था। 1905 में बनारस अधिवेशन में गोखले को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और जहां इन्होंने बंगाल विभाजन के फैसले की कड़ी आलोचना की थी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सही ठहराया था। गोखले ने 1905 में भारत सेवक समिति की स्थापना की। देशभक्तों की सोच विकसित करने में इस संस्था का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1906 में भारतीय जनता के विचारों से इंग्लैंड की जनता को अवगत कराने के लिए इन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ये गोखले के भाषणों का जबरदस्त असर था, जिसको लेकर इंग्लैंड के पत्र नेशन ने लिखा था कि गोखले के समकक्ष इंग्लैंड में कोई राजनीतिज्ञ नहीं है। बहिष्कार की राजनीति 20वीं सदी में स्वदेशी आंदोलन से शुरू होती है, लेकिन 19वीं सदी में हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया था कि हमारा आधुनिक आर्थिक विकास जो होना चाहिए वो हमारी भारतीय पूंजी से होना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो भारत के लोगों को ट्रेन करे स्किल्स में, टेक्निक्स में, आधुनिक तकनीक को यहाँ पर लाए, और जहाँ तक भारत की पूंजी है, यहाँ पर पूंजी है, उससे हमारे देश का विकास हो। अगर विदेशी पूंजी से विकास होगा तो उसका फ़ायदा जो है वो हमारे देश में नहीं रहेगा और देश के बाहर चला जाएगा। तो बहिष्कार की राजनीति तो उन्होंने नहीं की, वो 20वीं सदी में हुई, लेकिन उनकी राजनीति का और आर्थिक विचारों का एक बहुत बड़ा पहलू ये था कि उन्होंने कहा था कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए है, मॉडर्न साइंस चाहिए है, आधुनिक आर्थिक औद्योगिक विकास हमको करना है, लेकिन वो विकास भारतीय संसाधनों से होना चाहिए, उसके लिए पूंजी बाहर से नहीं आनी चाहिए, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील में हो, किसी भी बेसिक बुनियादी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी की शुरुआत होनी चाहिए उसमें भारत की पूंजी लगनी चाहिए, ताकि उसका जो फ़ायदा होगा वो भारत में रहेगा और देश से बाहर नहीं जाएगा। पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राजनीति को सही दिशा देने का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को जाता है। महात्मा गांधी के रूप में देश को सबसे बड़ा योगदान गोखले ने दिया था, क्योंकि भारत को समझने की सीख गांधी को गोखले से ही मिली थी और राष्ट्रपिता ने इन्हें अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ही वो शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पूरा देश घूमकर भारत को समझने की सलाह दी थी। गोखले की इस सलाह ने भारतीय आजादी के आंदोलन की एक नई दिशा तय कर दी। महात्मा गांधी गोखले के जबरदस्त प्रशंसक थे। गोखले उन नेताओं में थे जिनसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उन्हें एक जबरदस्त नेता करा दिया था। हालांकि कुछ एक मुद्दों पर गोखले से गांधी जी सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक गुरु के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। राष्ट्रपिता ने अपनी आत्मकथा में गोखले को एक विशाल हृदय और शेर की तरह बहादुर बताया था। गोखले पहली बार 1896 में गांधी से मिले थे और उन दोनों ने 1901 में कलकत्ता में लगभग एक महीना साथ बिताया था। अपनी चर्चा के दौरान गोखले ने उन्हें भारत में आम लोगों की दुर्दशा के मुद्दों पर समझाया और गांधी से आग्रह किया कि वो कांग्रेस के प्रयासों में शामिल होने के लिए अपने देश लौट आएं। उस तरह से महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले का आपस में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बीता, लेकिन महात्मा गांधी ने उनकी राजनीति को देखते हुए उन्हें अपना गुरु माना। गांधी जो हैं उन्होंने तिलक को भी अपना गुरु माना, और जबकि गोखले और तिलक के बीच में कहते थे कि एक टकराव का रिश्ता है, दोनों में विचारों का एक टकराव है, लेकिन निश्चित रूप से 19वीं सदी के इतने महत्वपूर्ण नेता थे और उनके इतने विचार इतने महत्वपूर्ण थे और उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब कुछ नेताओं को ये लगने लगा कि इनके विचार थोड़े से प्रो ब्रिटिश हो सकते हैं, थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं, उनमें उतना जुझारूपन नहीं है, उतना पैनापन नहीं है, तो गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी का कहना था कि विचार जो हैं वो एक श्रृंखला के रूप में, एक सीढ़ी के रूप में, वो ये शब्द का तो ये विचारों की हमारी राजनीति की पहली सीढ़ी थी, और उन्होंने कहा कि जब अगली सीढ़ी पे आप पहली सीढ़ी से ही चढ़ते हैं और जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरह से गांधी ने
दादा भाई नौरोजी के विचारों को, गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को, आरसी दत्त के विचारों को बहुत महत्व दिया और उन्होंने कहा कि यही विचार हमारी विरासत हैं। गोपाल कृष्ण गोखले सच्चे उदारवादी थे। अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे से उन्होंने तर्क सम्मता की शिक्षा ग्रहण की थी। गोखले के विचार दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता से भी मिलते जुलते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की कोशिशों की ही बदौलत अंग्रेज शासक मिंटो मॉर्ली सुधार लाए। उस सुधार के वक्त 1909 में भारत परिषद अधिनियम बना। इसी के साथ चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गोपाल कृष्ण गोखले धीरे धीरे लेकिन ठोस और दूरगामी परिणाम लाने की नीति में यकीन रखते थे। उस वक्त समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए भी इन्होंने योगदान दिया। अपने गुरु रानाडे की तरह ही गोखले भी भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के हक में थे। मिसाल के तौर पर जब अंग्रेजों ने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाने की पहल की तो इसे भारतीय समाज में अंग्रेजों की दखलंदाजी माना गया। इसका विरोध भी हुआ लेकिन गोखले ने इस मसले पर अपनी राय बेबाकी से रखी। इन्होंने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक बुराई मानते हुए इस बुराई के खिलाफ बनने वाले कानून का समर्थन किया। बाल विवाह की तरह ही गोखले जाति प्रथा को भी भारतीय समाज की बड़ी बुराई मानते थे और छुआछूत के सख्त खिलाफ थे। गोखले ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति की ऊंच नीच का बंधन ना हो। वो जाति की बेड़ियों को तोड़ने में यकीन रखते थे। इस मुद्दे पर उनकी राय बेहद स्पष्ट थी। वो कहते थे कि किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब वो एक साथ मिलकर रहे। तथाकथित निचली जातियों के लोगों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव की ये कड़े शब्दों में निंदा किया करते थे। इसको लेकर इन्होंने कहा कि निचली जातियों के लोगों की हालत सिर्फ असंतोषजनक नहीं है, ये इतनी खराब है कि इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक बड़ा दाग कहना चाहिए। कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति मानेगा कि इंसानों के एक तबके को, जो शरीर बुद्धि और मन से हम जैसे ही हैं, अनंत काल के लिए दरिद्रता, अभाव, अपमान और गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना पूरी तरह राक्षसी काम है। इतना ही नहीं, उनके विकास के रास्ते में ऐसी अड़चनें खड़ी कर दी गई हैं कि वो अपनी हालत में कभी सुधार ना कर सके। ये स्थिति इंसाफ की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। अगर हमारे देशवासियों की बड़ी आबादी इन हालात में रहने को मजबूर होगी तो हम अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने और दुनिया के देशों में सम्मानजनक जगह बनाने में कामयाब कैसे हो सकते हैं? ये विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के जात जमात में फंसे उस वक्त के समाज को लेकर। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत 19वीं सदी में हो गई थी, जबकि जातिवाद पे, सती प्रथा पे, विधवा विवाह के मसले पे, बाल विवाह के मसले पे हमारे तमाम नेताओं ने अपनी बात सामने रखी। उनके बात रखने से ये मसले निपट गई, मसले सुधर नहीं गए। वो तो उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा 20वीं सदी में, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में, और किसी न किसी मायने पर संघर्ष आज भी जारी है। इसलिए कि सामाजिक संकीर्णता एक पारंपरिक समाज में जिस तरह से जड़ें बना लेती है तो वो एक दो दिन में निकलने वाली चीज़ नहीं होती, उसमें सदियां लग जाती हैं, 100 साल से भी ऊपर लग जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें एक शुरुआत 19वीं सदी में हो गई थी और उस शुरुआत में गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत बड़ी भूमिका है। गोखले शिक्षा को समाज में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम मानते थे। शिक्षा मतलब किसी के भीतर की शक्तियों को बाहर लाना। शिक्षा मतलब भीतरी शक्तियों का विकास करना, क्योंकि शिक्षा में वो शक्ति थी जो बदलाव ला सके, बरसों से छाए अंधेरे को हटाकर देश को रोशन कर सके। गोपाल कृष्ण गोखले एक शिक्षाविद होने के नाते पढ़ाई लिखाई के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। यही कारण था कि इन्होंने ज्ञान की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इन्होंने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के साथ सभी वर्गों के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने की वकालत की। जी हाँ, मुफ्त शिक्षा की वकालत, उस वक्त जब अंग्रेजी सरकार भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती थी। उस वक्त
नीति निर्धारकों के सामने इन्होंने पूरी ताकत और तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। दरअसल ब्रिटिश सरकार का शिक्षा को लेकर रवैया ढुलमुल था। शिक्षा को लेकर ब्रिटिश सरकार वित्तीय प्रबंधन में मुश्किलों की बात कहती थी। गोखले इस व्यवहार के खिलाफ थे। अपने बचपन में शिक्षा को हासिल करने में आई मुश्किलों को देखा था। इसी बात को जहन में रखकर इन्होंने काम किया। भारतीय बच्चों को उनकी शिक्षा मिले, उनका हक मिले, इसके लिए गोपाल कृष्ण गोखले 1911 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल भी लेकर आए थे। इस बिल में इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने की जोरदार वकालत की थी। गोखले मानते थे कि शिक्षा के जरिए ही जीवन में नई चेतना पैदा होगी और जीवन की हर समस्या का हल शिक्षा के भीतर ही छुपा है। गोखले देश के युवाओं को पाश्चात्य शिक्षा देने के भी पक्ष में थे। इसको लेकर ये कहते थे कि अगर सही में स्वशासन हासिल करना है तो पाश्चात्य शिक्षा में दक्षता हासिल करना जरूरी है। उन्होंने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया था। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि हम सारे टैक्सेस जो सरकार को देते हैं हम उसको डिफेंड करने के लिए तैयार हैं अगर सरकार ये वादा करे कि वो यूनिवर्सल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन फ्री कर देगी। तो ये तो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन यहाँ तक वो कहने के लिए तैयार थे। तो वो एजुकेशन को, जैसे कि हमारे और भी बहुत सारे नेता थे, वो शिक्षा को और एजुकेशन को एक बहुत बड़ा माध्यम मानते थे जिसके जरिए, जिसकी मदद से हमारी सामाजिक संकीर्णताएं, हमारे सामाजिक दोष, हमारी सामाजिक समस्याएं, इनको दूर किया जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश सरकार पर बारीक नजर रखते थे। गोखले को ब्रिटिश संस्थाओं और काम करने के तरीकों के बारे में शुरुआती समझ गोविंद रानाडे और दादा भाई नौरोजी के जरिए मिली। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले एक सरकारी बिल के विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से वॉकआउट किया था। वैसे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होने के नाते गोखले की नज़र ब्रिटिश सरकार के कदमों पर रहती थी, लेकिन आर्थिक मामलों पर इनकी समझ बेहद गहरी थी। इनके बजट भाषणों के बारे में चर्चा होना आम था। लोगों में इनके भाषणों को लेकर गहरी दिलचस्पी थी। 1902 में ब्रिटिश वित्त सचिव एडवर्ड लॉ ने 7 करोड़ रुपए की बचत का बजट पेश किया। हर तरफ उनकी तारीफ की जा रही थी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ने उनकी तारीफ नहीं की। इस बाबत इन्होंने कहा कि देश की असल हालत और वित्तीय स्थिति के बीच समन्वय नहीं है। गोखले ने अपने तर्कों और आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे अकाल के वक्त भी अंग्रेज सरकार ने लगान की दरें बढ़ाई। इन्होंने कहा कि ऐसे मुश्किल वक्त में सरकार ने सेना पर फिजूल खर्च किया है, जबकि शिक्षा में खर्च पर कटौती की। गोपाल कृष्ण गोखले को जब भी जहां भी मौका मिला, इन्होंने अपनी बात जोरदार तरीके से रखी। गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण की बुराइयों को भी सामने लाए। 1905 में लंदन के न्यू रिफॉर्म क्लब में दिए गए भाषण में इन्होंने कहा था कि नौकरशाही के 3 मुख्य दोष हैं, केंद्रीकरण, भारतीय शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखना और हर मसले पर अपनी सत्ता के हितों का ख्याल रखना। उनकी और फिरोज शाह मेहता की बात हुई और गोखले ने फिरोज शाह मेहता से पूछा कि हम इतना समय लगाते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतना सोच समझ के हम अपने लेख लिखते हैं, सरकार के लिए अपील करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसलिए कि सरकार तो बदलती नहीं है, सरकार तो वही काम करती है जो करना चाहती है। तो फिरोज शाह मेहता ने उनसे कहा कि ये हम सरकार के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें पता है कि सरकार का दिमाग नहीं बदलेगा, ये हम भारतीय लोगों के लिए कर रहे हैं। जब ये हमारे विचार हैं, चाहे वो लेबर रिफॉर्म्स के हों, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे वो सोशल रिफॉर्म के हों, चाहे वो हमारा स्वतंत्र आर्थिक विकास होना चाहिए, ये सब विचार हमें अपने देश के लोगों तक पहुंचाने हैं, ताकि उन लोगों तक एक बार को पहुंच जाएंगे तब धीरे धीरे बदलाव का सिलसिला तेज़ होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और वो बदलाव का सिलसिला ज़्यादा तेज़ बढ़ा जबकि लेबर हमारी यूनियन बनी 1919 में, जिसके कि लाजपत राय प्रेसिडेंट थे, और बहुत 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 बेहतर एक अवेयरनेस लोगों में आई। लेकिन 19वीं सदी में हमारे नेताओं का जो मुख्य प्रयास था वो इस दिशा में था, रिसर्च करते थे, लिखते थे, सरकार को चिट्ठी लिखते थे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की विचारधारा के पितामह कहे जाते हैं। गोखले विरोधियों को हराने में यकीन नहीं रखते थे, वो विरोधियों को जीतने में विश्वास रखते थे। गोखले मध्यमार्गी थे, जनता में जागृति लाने और उनके बीच
त्याग और बलिदान की भावना को पैदा कर स्वशासन का लक्ष्य भी वो पूरा करना चाहते थे। गोखले ने अपने आदर्शवादी व्यवहार और योग्यता के जरिए देश के लिए हासिल करने के लक्ष्य तय किए। इनको इसमें सफलता भी मिली। गोखले जब तक जिए, देश के लिए जिए, उसकी प्रगति के लिए जिए, इसका असर इनकी सेहत पर भी पड़ा। आखिरकार 19 फरवरी 1915 को इनका निधन हो गया। बहुत कम उम्र में ही इनका निधन हो गया, लेकिन देश के लिए इनका प्यार, इनकी सोच ने उस वक्त भी लोगों को राह दिखाई थी और इनके विचार, इनके तर्क आज भी देश को नई उम्मीद दे रहे हैं।